हेलो इंजीनियर्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ सुनील गुरु जी के फेवरेट चैनल कॉर्पोरेट ट्रेनर रोहित चतुर्वेदी न्यू दिल्ली द्वारको मोड प्लान से। इंजीनियर्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ऑटो लेवल को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इजी ट्रिक में कैसे सेट करते हैं, उसके जो बबल को कैसे सेट करते हैं एंड ऑटो लेवल की डिवाइस कुछ इक्विपमेंट एंड कुछ पार्ट के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसे इंजीनियर्स, मेरे पास दिख रहा है आपको ये ट्राइपॉड होता है। सबसे पहले इस ट्राइपॉड को खोला जाता है, ये जो स्क्रू दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, इसको थोड़ा सा डील करके इसको मतलब ये जो लैग होते हैं इसको निकाल के ऐसे खोल लेते हैं एंड इसको जो सेट करते हैं तो इस तरीके से इसको इसके दोनों लेग को अपनी हाइट के बराबर इस प्लेट को रखते हैं। अपन को जो हाइट एक सफिशेंट रहती है, मतलब मुझे देखने में इजी रहेगा, तो मैं इस तरीके से इसको सेट करता हूँ एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा पुश करके थोड़ा सा प्रेस कर दूँगा नीचे, जो इसका लेग को मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूँ ताकि ये मूव ना हो सके, मतलब यहाँ से हटे ना। तो गाइस, मैं देख रहा हूँ जैसे कि मैं इस प्लेट को एक सबसे पहले इसका काम होता है इस प्लेट को सीधा करना। जैसे कि अगर गाइस प्लेट सीधी हो जाती है तो आधा काम तो यही कर देता है, 50% काम तो यही कर देता है अगर प्लेट सीधी हो गई। इसके बाद जो मुझे ऑटो लेवल मशीन जो मैं रखूँगा, ऑटो लेवल डिवाइस जो मैं रखूँगा, मेरा एकदम जल्दी से जल्दी मेरा जो बबल है वो सेंटर में आ जाता है। इसका 50% काम होता है इस प्लेट का। अगर प्लेट सीधी होगी तो आपका बबल बहुत ही ईजी टाइम है इस बहुत ही कम टाइम में मतलब सेट हो जाता है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये ऑटो लेवल डिवाइस है, ऑटो लेवल ये डिवाइस देख रहे हैं आप गाइस, ये जो ऑटो लेवल डिवाइस है इसमें कुछ स्क्रू कुछ है स्क्रू जिसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करता हूँ इसकी, ये दिख रहा है आपको ये ऑप्टिकल साइड होता है, ये दिख रहा है आपको ये ऑप्टिकल साइड होता है। इससे क्या होता है गाइस, जैसे कि जब मुझे रीडिंग पढ़नी होती है तो मुझे मैं स्टाफ को देखता हूँ, तो स्टाफ जो अगर मेरे ज़्यादा दूरी पे है तो उसको क्या करता हूँ, इसको मैच करता हूँ कि इसके सामने है कि नहीं है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें जो स्क्रू दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं फॉक्सी नॉक। इससे क्या होता है गाइस, जब मैं स्टाफ को देखता हूँ तो कभी कभी धुंधला दिखता है, मतलब साफ नहीं दिखता है, तो इसके समय क्या करता हूँ इसकी हेल्प से उसको ना एकदम साफ विजिबल हो जाता है मेरे लिए। इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको स्क्रू, ये वाला ये होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ। इससे क्या होता है गाइस, जब मैं इस ऑप्टिकल साइड से स्टाफ को मतलब सामने ले आता हूँ तो कभी कभी क्या होता है, स्टाफ या इधर दिखता है या इधर दिखता है, या फिर क्रॉस जो वो क्रॉस हेयर होता है, जो क्रॉस हेयर होता है वो ना एक डिजिट पे नहीं दिखता है। तो इस किस्म क्या करते हैं, ये जो मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन नॉब स्क्रू है, इससे हम क्या करते हैं थोड़ा इधर या उधर मूव करके उसको क्रॉस हेयर को ना हम उस डिजिट पे ले आते हैं ताकि हमें आसानी हो जाती है, मतलब जो पढ़ते हैं रीडिंग पढ़ते हैं वो इजीली हमें समझ में आ जाती है। इसके बाद बात करता हूँ ये जो स्क्रू लेवलिंग स्क्रू है, ये जो लेवलिंग स्क्रू होते हैं इससे हम क्या करते हैं बबल को सेट करते हैं। ये जो बबल देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसमें जो बबल है इससे हम लेवलिंग स्क्रू की हेल्प से इसको सेट करते हैं। और कितनी इजी तरीके से करते हैं हम उसको बात करेंगे कैसे करते हैं। इस तरीके से इसके जो कुछ पार्ट है एंड जो लास्ट में जो दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं आईपीस। इसको क्या होता है, इसे हम ना इस स्टाफ को देखते हैं, ये आईपीस होता है। इससे क्या होता है, इसके अंदर हमें जब देखते हैं इसकी जब रीडिंग पढ़ते हैं, इसमें एक क्रॉशर होता है। इसमें क्रॉशर होता है, जो दो लाइन होती है ब्लैक कलर की, तो उसमें क्या करता है कभी कभी अगर वो धुंधला दिखता है तो हम इसको रोटेट करते हैं जो कि हमें साफ दिखने लगता है। तो आइए गाइस, मैं इसको देखता हूँ कैसे सेट करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको रखते हैं, इसको प्लेट के बीचों बीच रखते हैं इस तरीके से, फिर इसको हम हल्का सा टाइट कर देते हैं। इस तरीके से हल्का सा मैं टाइट कर दिया इसको। वैसे इसको मैं ध्यान दिया जाता है कि जो स्क्रू रहते हैं ना, ये तीन स्क्रू जो लेवलिंग स्क्रू हैं, इनको देखना पड़ता है कि जो है ना ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नीचे नहीं होने चाहिए, तीनों के तीनों सेम रहने चाहिए, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, मतलब मीडियम में रहना चाहिए, जो कि बोलते 50% पर रहने चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों स्क्रू में से मतलब ये जो स्क्रू है मेरे, इन तीन स्क्रू में से मैं दो स्क्रू की तरफ कहीं पर भी खड़ा हो सकता हूँ, इधर या फिर इधर। अब मैं दोनों स्क्रू को ना एक साथ रोटेट करूँगा, इनर साइड कर सकता हूँ या आउटर साइड करता हूँ। जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ दोनों को, तो ये बबल कहीं ना कहीं मेरा अपनी पोजिशन चेंज करेगा। सर थोड़ा यहाँ पास में आकर दिखाइए, बबल के पास जैसे मैं इसको रोटेट करूँगा दोनों स्क्रू को एक साथ, तो बबल कहीं ना कहीं मूव करेगा। जैसे देखो मैं कर रहा हूँ तो ये हो रहा है इस तरफ, मतलब किस तरफ आ गया, इस तरफ आ रहा है। जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो मेरा इस तरफ बबल आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जब बबल जिस तरफ है, मतलब वो क्या बबल इस अगर इस तरफ आ गया तो मतलब ये हाइट पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो इसको डाउन करना पड़ेगा या फिर अपोजिट साइड वाले को हाइट पे करना पड़ेगा ताकि बबल सेंटर में आ सके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा बबल इस तरफ है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ा डाउन करता हूँ। जैसे मैं डाउन करूंगा इसका, तो मेरा जो बबल है, जैसे इसको डाउन किया मैंने तो बबल मेरा आ गया अपोजिट साइड। अब क्या करूंगा, जब इस साइड आ गया तो मतलब क्या है, यहाँ पर हाइट में आ गया, तो इसको मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ। मैं जैसे मैंने इसको डाउन किया तो बीच में आ रहा है, तो ही बबल देखो, बबल बीच में आ रहा है। जैसे मैंने इसको डाउन किया तो बबल बीच में आ गया। तो देखा गाइस, इतने सिंपल तरीके से इसको शेड करते हैं, मतलब बहुत ही कम टाइम में। जैसे आपको बबल कहीं पर भी हो, आप एक काम करो, मतलब दोनों स्क्रू को एक साथ एक बार रोटेट करो, बबल कहीं ना कहीं पोजिशन चेंज करेगा। जिस तरफ बबल गया तो मतलब समझ लो कि उस तरफ क्या वो हाइट पे, तो मैं उस तरफ की स्क्रू को क्या करूँगा, डाउन करूँगा, या फिर अपोजिट साइड वाले स्क्रू को क्या करूँगा, अप करूँगा। तो बबल क्या है, बीच में आने की कोशिश करेगी, बीच में आएगा तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करेगा,
तो फिर किसने क्या करेंगे, हम उस वाली स्क्रू की हेल्प से उसको शटर में लाएंगे। तो गाइस आपने देखा इस तरीके से बॉल को बहुत ही कम टाइम में शट करते हैं। आई होप इन ये आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं, जय भारत।